स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त राज्य अमेरिका यात्रा में निम्नलिखित में से किस शिखर सम्मेलन में भागीदारी शामिल है? ए आसियान शिखर सम्मेलन, बी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, सी G20 शिखर सम्मेलन, डी क्वाड लीडर्स समिट। आंसर डी क्वाड लीडर्स समिट। एक्सप्लेनेशन, पीएम मोदी ने 21 सितंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा शुरू की। वह डेलावेयर में 4th वार्षिक क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत 2025 में क्वाड लीडर समिट की मेजबानी करेगा। क्वाड में 4 देश ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका शामिल हैं। अगला प्रश्न। भारत ने सिंधु जल संधि में संशोधन की मांग की है, इस पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? ए 1956, बी 1960, सी 1967, डी 1987। आंसर बी 1960। एक्सप्लेनेशन, भारत ने सिंधु जल संधि की समीक्षा और संशोधन के लिए पाकिस्तान को औपचारिक नोटिस भेजा है। सितंबर 1960 में जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान ने कराची में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। संधि के प्रावधानों के तहत पूर्वी नदियां सतलुज, ब्यास और रावी भारत द्वारा अप्रतिबंधित उपयोग के लिए उपलब्ध होंगी, जबकि पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान द्वारा अप्रतिबंधित उपयोग के लिए उपलब्ध होंगी। संधि के अनुच्छेद 12(3) के तहत समय समय पर दोनों सरकारों के बीच संधि के प्रावधानों को संशोधित किया जा सकता है। अगला प्रश्न। मेलबर्न विश्वविद्यालय ने भारत में अपना केंद्र कहाँ खोला है? ए नई दिल्ली, बी भोपाल, सी नालंदा, डी सूरत। आंसर ए नई दिल्ली। एक्सप्लेनेशन, मेलबर्न विश्वविद्यालय द्वारा नई दिल्ली में एक केंद्र खोला गया है। मेलबर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली भारत में विश्वविद्यालय के केंद्रीय केंद्र के रूप में काम करेगा। ये समुदाय, उद्योग, अनुसंधान और शिक्षा के बीच सहयोग और सूचना साझा करना आसान बनाएगा। मेलबर्न ग्लोबल सेंटर का उद्देश्य कैंपस के बाहर सीखने का माहौल या शिक्षण के लिए नहीं है। अगला प्रश्न। ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को भेजा जा रहा है? ए कल्कि, बी स्त्री 2, सी लापता लेडीज, डी बैड न्यूज। आंसर सी लापता लेडीज। एक्सप्लेनेशन, किरण राव द्वारा निर्देशित लापता लेडीज को 29 फिल्मों में से ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया है। इसका निर्माण किरण राव और आमिर खान ने मिलकर किया है। फिल्म देखते समय बार बार गोविंद मुनिस निर्देशित नदिया के पार के फ्रेम याद आते रहते हैं। वैसा ही सच्चा सा दिखता ग्राम्य जीवन और वैसे ही कहानी के किरदार। दिलचस्प बात यह है कि 24 साल पहले भी आमिर खान की फिल्म को ही इस श्रेणी में चुना गया था। अगला प्रश्न। भारत के लिए 2024 शतरंज ओलंपियाड में किन टीमों ने स्वर्ण पदक जीते? ए पुरुष और महिला दोनों टीमें, बी केवल पुरुषों की टीम, सी केवल युवा टीम, डी केवल महिला टीम। आंसर ए पुरुष और महिला दोनों टीमें। एक्सप्लेनेशन, 22 सितंबर 2024 को हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित 45वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फाइड शतरंज ओलंपियाड में पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय पुरुष टीम ने स्लोवेनिया को हराया, जबकि महिला टीम ने अजरबैजान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। अगला 46वां फिडे शतरंज ओलंपियाड 2026 में ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। भारत की नई एयरलाइन कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है? ए स्टार लाइन एयर, बी स्काई एयरलाइन, सी तेजस एयरलाइन, डी शंख एयर। आंसर डी शंख एयर। एक्सप्लेनेशन, भारत की नई एयरलाइन शंख एयर को हाल ही में विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है। यह उत्तर प्रदेश की पहली अनुसूचित एयरलाइन शेड्यूल्ड एयरलाइन है। यह एयरलाइन लखनऊ और नोएडा को अपने हब के रूप में स्थापित कर भारत के प्रमुख शहरों को जोड़ने की योजना बना रही है। शंख एयर से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार की उम्मीद है। अगला प्रश्न। भारत ने हाल ही में किस देश में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? ए USA, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जर्मनी, डी रूस। आंसर ए USA। एक्सप्लेनेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा की भारत अमेरिका में 2 नए वाणिज्य दूतावास, एक बोस्टन में और दूसरा लॉस एंजल्स में खोलने की घोषणा की है। इन शहरों में भारतीय अमेरिकी समुदाय की जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। अगला प्रश्न। नगर वन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, बी आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, डी कपड़ा मंत्रालय। आंसर ए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।
एक्सप्लेनेशन: शहरी इलाके में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई नगर वन योजना NVY ने हाल ही में 100 नगर वन का 100 दिन का लक्ष्य हासिल किया। योजना में नागरिकों की भागीदारी से शहरी इलाके में वनों को बढ़ावा देने के लिए प्रति हेक्टेयर 4 लाख रुपए की पेशकश की गई। अगला प्रश्न: किस एयरपोर्ट का नाम जगतगुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है? ए. लखनऊ एयरपोर्ट, बी. पुणे एयरपोर्ट, सी. पटना एयरपोर्ट, डी. मुंबई एयरपोर्ट। आंसर: बी. पुणे एयरपोर्ट। एक्सप्लेनेशन: महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम जगतगुरु संत तुकाराम महाराज पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। संत तुकाराम महाराज 17वीं सदी के मराठी कवि और हिंदू संत थे, जिन्हें महाराष्ट्र में तुका, तुकोबार या तुकोबा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न: साल 2025 में आईफा अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए. वाराणसी, बी. शिमला, सी. मुंबई, डी. जयपुर। आंसर: डी. जयपुर। एक्सप्लेनेशन: हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े अवार्ड में से एक इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी IIFA का आयोजन अगले साल राजस्थान की राजधानी जयपुर में होगा। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी की मौजूदगी में राजस्थान पर्यटन विभाग और आईफा के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। एशिया पावर इंडेक्स में भारत किस देश को पछाड़कर एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बनकर उभरा है? ए. दक्षिण कोरिया, बी. जापान, सी. रूस, डी. चीन। आंसर: बी. जापान। एक्सप्लेनेशन: ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार की गई 2024 एशिया पावर इंडेक्स में जापान को पछाड़कर भारत एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बनकर उभरा है। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि भारत की तेज आर्थिक प्रगति, विशाल युवा जनसंख्या और अर्थव्यवस्था के विस्तार ने भारत को इस सम्मानजनक स्थान पर पहुंचाया है। यह उपलब्धि न केवल भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति को दर्शाती है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की साख में हो रही वृद्धि का प्रमाण भी है। अगला प्रश्न: मेक इन इंडिया के तहत भारत दुनिया में किस उत्पाद का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है? ए. फार्मास्यूटिकल्स, बी. ऑटोमोबाइल, सी. मोबाइल फोन, डी. स्टील। आंसर: सी. मोबाइल फोन। एक्सप्लेनेशन: पिछले एक दशक में चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है। मेक इन इंडिया पहल ने 25 सितंबर 2024 को अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाई। साल 2014 में इसकी शुरुआत के वक्त देश में केवल 2 फैक्ट्रियां मोबाइल बनाती थी। अब 200 से ज्यादा फैक्ट्रियां मोबाइल बना रही हैं। इनमें एप्पल जैसी कंपनी भी शामिल है। इसके कारण दुनिया को भारत से मोबाइल निर्यात में 7,500% की तेजी आई है। अगला प्रश्न: यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 कहां आयोजित किया गया है? ए. ग्रेटर नोएडा, बी. कानपुर, सी. लखनऊ, डी. वाराणसी। आंसर: ए. ग्रेटर नोएडा। एक्सप्लेनेशन: यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का दूसरा संस्करण 25 से 29 सितंबर 2024 तक उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित किया जा रहा है। इस ट्रेड शो में 80 से ज्यादा देश भाग ले रहे हैं। इसमें भारत के साथ वियतनाम साझेदार देश के रूप में भाग ले रहा है। ट्रेड शो में अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोग पंजीकरण कर चुके हैं। ये प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापार मेला है। अगला प्रश्न: भारत का पहला CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा? ए. हैदराबाद, बी. चेन्नई, सी. मुंबई, डी. पुणे। आंसर: डी. पुणे। एक्सप्लेनेशन: भारत के पहले CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला महाराष्ट्र के पुणे में थमेक्स लिमिटेड में रखी गई। ये कार्बन कैप्चर और उपयोग CCU प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसकी आधारशिला विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के सचिव अभय करंदीकर ने रखी। प्लांट की क्षमता 1.4 टन प्रतिदिन TPD है। ये परियोजना थमेक्स लिमिटेड और IIT दिल्ली के बीच सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। अगला प्रश्न: मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 की विजेता कौन बनी? ए. रिया सिन्हा, बी. प्रांजल प्रिया, सी. छवि वर, डी. सुष्मिता रॉय। आंसर: ए. रिया सिन्हा। एक्सप्लेनेशन: 22 सितंबर को गुजरात की रहने वाली 19 साल की रिया सिन्हा ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया। 2015 में मिस यूनिवर्स इंडिया रह चुकी उर्वशी रौतेला ने रिया को ताज पहनाया। प्रांजल प्रिया पहली रनर अप एवं छवि वर दूसरी रनर अप रही। सुष्मिता रॉय एवं रूप फुजानो विसु तीसरे और चौथे रनर अप के स्थान पर रही। ताजमहल की तरह डिजाइन इस क्राउन में 3 बड़े बड़े हीरे जड़े हुए हैं। इनके अलावा बहुत सारे वाइट डायमंड लगे हैं।
प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ए 25 सितंबर, बी 27 सितंबर, सी 5 अक्टूबर, डी 15 अक्टूबर। आंसर बी 27 सितंबर। एक्सप्लेनेशन: विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा की गई थी। पर्यटन से विश्व भर में लोगों को अलग अलग जगहों पर आर्थिक मदद मिलती है। इतना ही नहीं, इससे किसी देश या राज्य की आर्थिक स्थिति में भी बढ़ावा मिलता है। साथ ही इसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक योगदान के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश की जाती है। अगला प्रश्न: परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किए गए हैं? ए हैदराबाद, अहमदाबाद और जयपुर, बी लखनऊ, पटना और भोपाल, सी पुणे, दिल्ली और कोलकाता, डी मुंबई, चेन्नई और बेंगलोर। आंसर सी पुणे, दिल्ली और कोलकाता। एक्सप्लेनेशन: पीएम मोदी ने 26 सितंबर 2024 को पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए, जो कि मौसम और जलवायु रिसर्च के लिए तैयार किया गया है। ये सुपर कंप्यूटर भारत के नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के तहत तैयार किए गए हैं। इनकी लागत 130 करोड़ रुपए है। इन तीनों सुपर कंप्यूटर्स को 3 जगहों दिल्ली, पुणे और कोलकाता में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न: सितंबर 2024 में IBSF वर्ल्ड 6 ग्रेड का खिताब किसने जीता? ए असद इकबाल, बी एनजी ओनली, सी मलकीत सिंह, डी कमल चावला। आंसर डी कमल चावला। एक्सप्लेनेशन: भारतीय स्नूकर कमल चावला ने 25 सितंबर 2024 को मंगोलिया के उलानबटार में फाइनल में पाकिस्तान के असद इकबाल को 6-2 से हराकर अपना पहला IBSF वर्ल्ड 6 ग्रेड खिताब हासिल किया। चावला टूर्नामेंट के 2017 संस्करण में उपविजेता रहे थे। भारत ने मलकीत सिंह, विद्या पिल्लई और कीर्तना पांडियन के माध्यम से 3 और कांस्य पदक भी हासिल किए हैं। अगला प्रश्न: निम्नलिखित में से किसने एक पेड़ माँ के नाम ऐप लॉन्च किया है? ए पीयूष गोयल, बी राजनाथ सिंह, सी अमित शाह, डी ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। आंसर डी ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। एक्सप्लेनेशन: एक पेड़ माँ के नाम ऐप को केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने लॉन्च किया है। उपयोगकर्ता अपनी माताओं के सम्मान में एक पेड़ लगा सकते हैं और उसे समर्पित कर सकते हैं। इसके उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस के साथ अपनी माताओं को श्रद्धांजलि के रूप में लगाए जा रहे पेड़ों की तस्वीरें आसानी से अपलोड कर सकते हैं। यह ऐप अपनी माँ के साथ अपने बंधन का जश्न मनाने का एक विशेष तरीका प्रदान करता है। अगला प्रश्न: किस राज्य में फसल नुकसान करने के कारण नील गाय और जंगली सुअरों को मारने का अभियान शुरू किया जा रहा है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी पंजाब। आंसर ए बिहार। एक्सप्लेनेशन: बिहार के 5 जिलों में नील गाय और जंगली सुअरों को मारने के लिए अभियान शुरू किया जाएगा। वैशाली, पूर्वी चंपारण, बक्सर, सीवान और समस्तीपुर में इस महीने से निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार अभियान शुरू किया जाएगा। ये 5 जिले सबसे अधिक प्रभावित जिलों में शामिल हैं, जहां इन 2 जानवरों ने फसलों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है। एक अनुमान के अनुसार इन जिलों में नीलगाय की कुल संख्या लगभग 3 लाख, जबकि जंगली सुअरों की संख्या लगभग 67,000 है।